हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हमारी कैपेसिटर सीरीज और पैलर पे है। जो हमने लास्ट वीडियो छोड़ी थी वह हमने छोड़ी थी कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन बताया था, कैपेसिटर के उपयोग बताए थे कि कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है और किस तरह इसका उपयोग किया जाता है। और हमने वीडियो में कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे वो कैपेसिटर सीरीज और पैलर पर लाएंगे। तो आज की हमारी ये वीडियो कैपेसिटर की सीरीज और पैरेलल पे है। संधारित्र श्रेणी और समानांतरण क्रम, यह हिंदी में कहते हैं हम कैपेसिटर को, संधारित्र कहते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। आज जो हम देखेंगे कैपेसिटर सीरीज पैरेलल, तो देखते हैं। देखिए पहले सीरीज समझते हैं। देखिए सीरीज हमने रेजिस्टेंस भी समझी थी, सीरीज और सीरीज पैरेलल हमने रेजिस्टेंस भी समझी थी। तो सीरीज जब हमारी रेजिस्टेंस सीरीज में होती है, जब हमारा रेजिस्टेंस सीरीज में होती थी तो हमारे जो वोल्टेज होते थे वह डिवाइड हो जाते थे, यानी कट जाते थे, प्रत्येक रेजिस्टेंस पर कट जाते थे। इसी तरह से कैपेसिटर पे है, यह बढ़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। देखिए कैसे यह ऐसे, सॉरी रेजिस्टेंस ही याद है अभी, इस तरीके से। अब यदि रेजिस्टेंस होती थी तो हम इनके बीच में V1, V2, V3 मानते थे। इसी तरह हम कैपेसिटर में भी करते हैं, कैपेसिटर में भी सेम होता है। देखिए किस तरह होता है, ये देखिए, ये हमने इक्वेशन मानी 1 और यहां से दूसरी शुरू हो गई 2, यहां से तीसरी शुरू हो गई, यहां आ गई चौथी। तो देखिए इस तरीके से, यानी कि V1, V2, V3, V4 है ना। और क्या होता है, इक्विवेलेंट वोल्टेज, इस तरीके से V इक्विवेलेंट वोल्टेज। अब कैपेसिटर का भी जैसे हमारा ओम्स लॉ होता है, उसी तरह कैपेसिटर का भी एक फॉर्मूला होता है, जो हमारा होता है C बराबर Q बटे V। तो देखिए ये V है हमारा, तो किस तरह से होगा देखते हैं। तो हमारा ये V है, तो ये हमारा हो जाएगा Q बटे C CT, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ना। इसी तरीके से हम इसको कर लेंगे, इसको कैसे करेंगे, Q बटे C1 प्लस, ये प्लस प्लस में होगा, प्लस Q बटे C2 प्लस Q बटे C3 प्लस Q बटे C4। अगर इसमें कैपेसिटर और आगे होते, 5 होते, 6 होते, तो इसी तरह आगे डैश 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 जुड़ जाते है ना। अब क्या करेंगे, अब इसमें से हम Q को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें कैपेसिटेंस निकालनी है ना, कैपेसिटर का फॉर्मूला निकालना है। तो हम इसमें Q कॉमन ले लेंगे। किस तरह लेंगे, देखिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अभी बाद में इसको भी करेंगे। Q कॉमन ले लिया तो ये हो गया हमारा 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3 किसी तरह से 4 तक, ये हो गया। अब देखिए जब हमारी ये संख्या बाहर आ गई तो इसके नीचे हमने 1 माना और ये इसको हम इधर ले गए, बराबर से जब हम इसको इधर की ओर ले गए तो ये पलट जाएगी संख्या। यह तो हमें पता ही होगा कि जब हम बराबर से इधर या उधर लेके जाते हैं संख्या, तो अंश और हर में परिवर्तन हो जाता है, हर अंश हो जाता है, अंश हर हो जाता है। तो यह कहते हैं, देखिए कैसे होगा, ये देखिए, यह ऐसे ही रहा। अब क्या करेंगे हम, गुणा 1 बटे क्यू, क्यू से क्यू खत्म, और ये हमारा ऐसे का ऐसा ही उतर गया। ये बराबर का निशान है, बराबर का निशान लगाता हूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 हो गया। अब हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा, फाइनल देखते हैं। देखिए यहां से हमारा यह एक और CT बचा, तो इसे लिख देते हैं CT, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
इज इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4। यदि आगे होता तो इसको भी ऐसी तरह ले लेते। यही है हमारा कैपेसिटर का सीरीज में फॉर्मूला। कैपेसिटर जब सीरीज में होते हैं तो उसके लिए यह फॉर्मूला उपयोग किया जाता है। यह मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से क्या हाँ किस तरह से हमारा ये फॉर्मूला बनता है, यानी कि मैंने सिद्ध करके दिखा दिया इस फॉर्मूले को किस तरह किसकी सहायता से, इस फॉर्मूले की सहायता से। यह हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, जिससे हम कैपेसिटेंस निकालते हैं, चार्ज निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है इसकी सहायता से। यह है, याद रखिएगा, सी इज इक्वल क्यू बाय बी। यह हमारा फॉर्मूला है, इसको जरूर याद रखिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, हमने ये जब हमारा कैपेसिटर जब सीरीज में होते हैं तो हमारे वोल्टेज बढ़ते हैं, वोल्टेज बढ़ते हैं हमेशा। रेजिस्टेंस में कम होते थे, रेजिस्टेंस का काम ही होता है काटना, और कैपेसिटर का काम होता है इंक्रीजमेंट, इंक्रीमेंट करना। तो हमारे ये वोल्टेज बढ़ते थे, तो इसको हमने लिखा वी टी इक्विवेलेंट वोल्टेज V1 V2 V3 V4। आगे और कैपेसिटर होते तो इसे V5 V6 V7 कर देते। और फिर देखिए, फिर ये वी टी है, इक्विवेलेंट वोल्टेज है, तो देखिए वी का जब फॉर्मूला लगाएंगे हम तो ये बनेगा हमारा क्यू बटे सी। जब V इज इक्वल लिखेंगे, V इज इक्वल तो Q बटे सी आएगा। तो हमने यही लिख कर लिया, Q बटे सी कर लिया, Q बटे सी टी। सी टी इसलिए गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसी तरह से हमने इन सब में भी लगा दिया, क्योंकि ये भी V1 V2 V3 V4 है, तो इसमें भी Q बटे C1 Q बटे C2 Q बटे C3 Q बटे C4 कर लिया। इसी तरह अगर होते आगे तो वह भी हम लगाते और उसको हमने सॉल्व कर लिया। इसको हमने माना था एक को, ये एक है नहीं। अब देखिए, देखिए यहाँ आके हमने इस वाले पोर्शन में Q को कॉमन लेकर 1/C1 1/C2 1/C3 1/C4 कर दिया, और यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ, जिसको हमने Q को उधर लेके गए तो हमारा Q से Q कट गया, 1/CT आ गया, 1/CT C1 1/CT आ गया, फिर 1/C1 1/CT इज इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। यह हमारा सीरीज का फॉर्मूला इस तरह से तैयार हुआ। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा पैरेलल का, पैरेलल किस तरह से होता है। तो चलिए देखते हैं पैरेलल। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो दूसरा है पैरेलल, पैरेलल देख लेते हैं कि पैरेलल किस तरह से होता है। पैरेलल पैरेलल हमारे कैपेसिटर कुछ इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, या तो सब पता ही होगा कि किस तरह से जुड़ते हैं, वरना तो मैं बता ही रहा हूँ, आप देख लीजिए कि पैरेलल में ये हमारा कुछ इस तरह से जुड़े होते हैं। ये इस तरह से प्लस प्लस में और माइनस माइनस में, इस तरह से। ये हमारा कोई बैटरी का सोर्स है, इसे हम दे देते हैं V। ये हमारा बैटरी का कोई सोर्स है, V से हमने इसे दे दिया। तो अब यह किस तरह से होता है ये देखते हैं, क्या फॉर्मूला जो है वो किस तरह से होता है और उसको सिद्ध करते हैं फॉर्मूले को। तो पहले हम जो हमारा कैपेसिटेंस फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं, सी इज इक्वल क्यू बटे वी। ये बहुत जरूरी है। अब देखिए, हमारा जब कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो पैरेलल में हमारे कैपेसिटर के हमेशा कूलम बढ़ते हैं, वोल्टेज उतने ही रहते हैं जितने का हमारा कैपेसिटर होता है। तो यदि हम मान लें, यदि ये बैटरी सोर्स है, मिक्स ना हो जाए इसके लिए मैं इसको इसमें कर देता हूँ, ये बैटरी है, ये बैटरी है जो सोर्स दे रखा है हमने। मैं कहा था कि हम देखते हैं कि यदि हमारे ये सारे कैपेसिटर, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, जो मैं वैल्यू बता रहा हूँ उसके हैं, जैसे 4700 UF, 4700 UF 25 वोल्ट के हैं, तो इसमें क्या होगा कि हमारा पैर सीरीज में तो हमारी ये वोल्टेज बढ़ते, पैरेलल में हमारे ये बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे, देखिए ये चार कैपेसिटर हैं तो हमारे ये चौगने हो जाएंगे कि 4700 4
तो ये हो जाएगा हमारा 18,800, 18,800 यूएफ हमें चार्ज मिलेगा, 18,800 यूएफ कूलम हमें चार्ज मिलेगा इस सर्किट के अनुसार, इस सर्किट के अनुसार हमें 18,800 चार्ज मिलेगा। अब देखिए यह तो हमने एक तरह से अनुमानित निकाल लिया क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है। अब फॉर्मूले को हम सिद्ध करते हैं, फॉर्मूला देखते हैं क्या है। तो डस्टर लेते हैं, फॉर्मूला देखते हैं क्या है। इसमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, हम इसको कैपेसिटर को नाम दे देते हैं बस, C1 C2 C3 C4। मैंने बताया कि इनमें चार्ज बढ़ेगा तो हम इसको भी किस तरह से करेंगे, पहले हम V1 V2 V3 कर रहे थे सीरीज में, ये पैरेलल है तो पैरेलल में मैंने आपको बताया कि कूलम चार्ज बढ़ता है तो Q1 Q2 Q3 होगा। देखिए कैसे, Q1 Q2 Q3 Q4 इस तरह से होगा। देखिए आगे कैसे होगा, तो इक्विवेलेंट चार्ज बराबर Q1 Q2 Q3 Q4, चार कैपेसिटर हैं। यदि आगे और होते तो इसी तरह से हम लिखते जाते प्लस लगाकर, इसी तरह से प्लस लगाकर आगे आगे हम लिखते जाते। अब फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए फॉर्मूला यदि इसको देख के बनाते हैं तो फॉर्मूला हमारा बनता है Q = C × V है। तो देखते हैं, देखिए ये Q है तो ये हो जाएगा हमारा CT × और ये क्या है V, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस इंटू वी बराबर C1 × V। इसी तरह से C2 C3 C4 करेंगे, देखिए कैसे C3 × V प्लस C4 × V हो गया। अब इसमें से हम V कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें कैपेसिटेंस निकालनी है, V कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहां तक तो आप समझ गए कि किस तरह से करा हमने, ये इस फॉर्मूले के थ्रू लगाकर ये सब चीज लिया है ना। अब क्या करेंगे इसमें, CT × V बराबर यहाँ हम V को कॉमन ले लेंगे और C1 + C2 + C3 + C4 आगे होता तो हम इसी तरह कर लेते, मैंने ऊपर बता ही दिया। अब क्या करेंगे देखिए, CT × V आप ये देखिए, इसको ना हम बराबर हटा देंगे, इसको हम इधर ले जाएंगे, इसके नीचे एक मानते हैं, जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये 1/V हो जाएगा और इसके नीचे तो हमारा ये है ही, हो गया एक से एक खत्म, वी से वी खत्म है ना। इसको ऐसे लिख लेते हैं C1 + C2 + C3 + C4 ये हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे हमारा, हमारा CT बचा, तो CT फाइनल फॉर्मूला निकल के आ रहा है, CT = C1 C2 C3 C4 आ गया, C1 + C2 + C3 + C4 यह हमारा पैरेलल का फाइनल फॉर्मूला है। पैरेलल का दूसरे उससे लिख देता हूं, यह हमारा पैरेलल का फाइनल फॉर्मूला है। आज हमने समझा कि कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल में किस तरह से होते हैं। अरे एक बात मैं बताना भूल गया, मेरे को वीडियो के बीच में बता देना चाहिए था कि इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, इस फॉर्मूले को समझेंगे। हालांकि मुझे इससे पहले बनानी चाहिए थी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मगर इस पे एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाएंगे कि इसमें किस तरह से लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, कैसे यूज़ करा जाता है इस फॉर्मूले का, C = Q/V, इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, इस पे बनाएंगे एक सेपरेट वीडियो। और कैपेसिटर की कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।